हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे रोमांटिक टाइम पीरियड के एक और इम्पोर्टेंट पोएट है रॉबर्ट साउदे। रॉबर्ट साउदे की इनको लेक पोएट भी बोलते हैं। रॉबर्ट साउदे का बर्थ हुआ था 1774 ब्रिस्टोल ग्लूकोसेस्टरशायर इंग्लैंड में, और इनकी डेथ हुई थी 1843 कैस्विक क्यूम्बरलैंड इंग्लैंड में। इंग्लिश पोएट एंड राइटर ऑफ मिसलिनियस प्रोज हु इज चीफली रिमेम्बर्ड फॉर हिज एसोसिएशन विद एस टी कॉलरिज एंड विलियम वर्ड्सवर्थ, बोथ ऑफ हुम वर लीडर ऑफ द अर्ली रोमांटिक मूवमेंट। तो इनका जो लिरिकल बैलेड आया था उसी के साथ रोमांटिसिज्म की शुरुआत हुई थी, सैमुअल टेलर कॉलरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का, जो 1798 में आया था। द सन ऑफ ए लिनन ड्रेपर, साउदे स्पेंड मच ऑफ ही चाइल्डहुड एट बाथ इन द केयर ऑफ हिज आंट एलिजाबेथ टाइलर। एजुकेटेड एट वेस्ट मिनिस्टर स्कूल एंड बेलियोल कॉलेज ऑक्सफोर्ड, साउदे एक्सप्रेस्ड हिज आर्डेंट सिंपथी फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन द लॉन्ग पोम जोन ऑफ आर्क पब्लिश 1796। तो 1796 में इनकी पोम आई थी जोन ऑफ आर्क, उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताया गया है, उसकी सिंपथी को दिखाया गया है। ही फर्स्ट मेट कार्ल कॉलरिज हु शेयर्ड हिज व्यू इन 1794 एंड टुगेदर दे रोट अ वर्स ड्रामा द फॉल ऑफ रोबेस्पियरे। 1794 में आया था ये वर्क इनका, कोलेबोरेशन में था कॉलरिज और साउदे का 1794 में, और थ्री एक्ट प्ले है ये। आफ्टर लिविंग ऑक्सफोर्ड विदाउट अ डिग्री, साउदे प्लान टू कैरी आउट कॉलरिज प्रोजेक्ट फॉर एपेंटिसोक्रेसी और यूटोपियन एग्रीकल्चर कम्युनिटी। तो कॉलरिज और साउदे दोनों ने मिलकर ऐसा सोचा था कि हम एक पेंटिसोक्रेसी नाम से एक सोसाइटी बनाएंगे, यूटोपियन कल्चर कम्युनिटी होगी वो। उसमें क्या होगा कि किसी को डेथ का कोई फियर नहीं होगा, लेबर होगा वो इक्वली डिवाइडेड होगा। टू बी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ सिस्कुहाना रिवर इन द यूनाइटेड स्टेट्स, बट हिज इंटरेस्ट इन पेंटिसोक्रेसी फेडेड कोजिंग अ टेम्पररी ब्रेच विद कॉलरिज। तो ये इनका जो साउदे और कॉलरिज का प्लान था पेंटिसोक्रेसी कम्युनिटी बनाने का, ये बीच में ही रह गया। इन 1795 ही सीक्रेटली मैरिड एडिथ फ्रीकर हुज सिस्टर सारा कॉलरिज वाज सून टू मैरिज। तो इन्होंने 1795 में एडिथ फ्रीकर से शादी की थी, उसी की एक छोटी सिस्टर थी सारा, सारा के साथ बाद में कॉलरिज की शादी हुई। दैट सेम ईयर ही वेंट टू पुर्तगाल विद हिज अंकल हु वाज ब्रिटिश चैपलिन इन लिस्बन। वाइल इन पुर्तगाल ही रोट द लेटर्स पब्लिश एज लेटर्स रिटर्न ड्यूरिंग अ शॉर्ट रेजिडेंस इन स्पेन एंड पुर्तगाल 1797। स्टडीज द लिटरेचर ऑफ दोज टू कंट्रीज एंड लर्न टू थैंक गॉड ही वॉज एन इंग्लिश मैन। एक तरह से वहाँ का लिटरेचर पढ़ के इन्होंने एक गॉड को थैंक किया कि कम से कम थैंक गॉड कि वो एक इंग्लिश मैन है। सो बिगिन द चेंज फ्रॉम रेवोल्यूशनरी टू टोरी। द लेटर्स बियरली हैज ए सेंस ऑफ लिटरेचर बट इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ साउदेज कीन इंटरेस्ट इन ट्रांसफॉर्मिंग ओकेजन्स टू जर्नलिस्टिक मटीरियल। साउदे ऑल्सो डिड ट्रांसलेशंस, इन्होंने थॉमस चैटर्टन के जो वर्क थे उनको उनका कंप्लीट ट्रांसलेशन किया था, इसके एडिट किए थे उनके वर्क को और ट्रांसलेट किया था। उसके बाद इनका एक वर्क आया था थैलबा द डिस्ट्रॉयर, ये भी एक एपिक है, 1801 में आया था। एपिक पोम इन 12 बुक्स, एपिक होती है वो थोड़ी लॉन्ग होती है। एपिक पोम थैलबा द डिस्ट्रॉयर 1801 में आई थी और 12 बुक्स में थी। विच डिस्क्राइब्स द रिलीजन ऑफ इस्लाम थ्रू द पोर्ट्रेइंग द स्टोरी ऑफ एपियोस यंग मुस्लिम चैंपियन। तो ये एक तरह से इसका प्रोटैगनिस्ट है। एंड वर्कड ऑन द एपिक पोम मैडोक। फिर 1805 में, 1801 में थैलबा द डिस्ट्रॉयर आया, उसके बाद मैडोक आई 1805 में। ही रोट फॉर द टोरी क्वार्टरली रिव्यू 1995 पोलिटिकल आर्टिकल्स फॉर ईच ऑफ विच ही रिसीव्ड £100। ही ऑल्सो वर्कड ऑन अ प्रोजेक्टेड हिस्ट्री ऑफ पुर्तगाल दैट ही वॉज डेस्टिन नेवर टू फिनिश, ओनली हिज हिस्ट्री ऑफ ब्राजील। तो इन्होंने पूरी हिस्ट्री ऑफ पुर्तगाल को लिखने का प्लान किया था, लेकिन ये एक ही लिख सके, हिस्ट्री ऑफ ब्राजील, जो 3 वॉल्यूम में था, 1810 से 19 के बीच पब्लिश हुआ था। हिज एडिशन 1817 में ऑफ सर थॉमस मैलोरीज 15th century ला मोटेडी ऑथर प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन जनरेटिंग रीन्यूड इंटरेस्ट इन द मिडल एज ड्यूरिंग द 19th century। तो सर थॉमस मैलोरी का वर्क था, जो 15th century के राइटर थे ला मोटेडी ऑथर, उसी वर्क को इन्होंने एक तरह से नए वे में लिखा, जिसकी वजह से लोगों को जो मिडल एज का लिटरेचर था उसको पढ़ने में इंटरेस्ट हुआ। इन 1810 ही पब्लिश द कर्स ऑफ केहामा विच रिमाइंडेड सम ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। इट इज बेस्ड ऑन एन एग्जोटिक स्टोरी ऑफ हिंदुइज्म। द स्टोरी इंटेंड्स टू अल्यूड टू द स्ट्रगल अगेंस्ट नेपोलियन। इन 1813 साउदे बिकेम द पोएट लॉरिएट अपोस्ट ही हेल्ड फॉर 30 ईयर्स। तो 1813 से ये पोएट लॉरिएट बने और 1843 तक रहे, जब इनकी डेथ हो गई थी, उसके बाद बने थे विलियम वर्ड्सवर्थ, जो 1850 तक रहे थे।
दिस टाइम ही बिकेम इन्वॉल्व इन ए लिटरेरी एम्ब्रोग्लियो विद लॉर्ड बायरन. बायरन हैड ऑलरेडी अटैक्ड साउथ इन इंग्लिश बार्स एंड स्कॉच रिव्यूअर 1809 एंड हैड डेडिकेटेड टू हिम 1819 द फर्स्ट कैंटो ऑफ डॉन जुआन ए सटायर ऑन हिपोक्रेसी. In his introduction to A Vision of Judgment, 1821, Southey continue the quarrel by denouncing Byron as belonging to a satanic school of poetry. तो रॉबर्ट साउदे का वर्क आया था 1821 में A Vision of Judgment. तो उन्होंने बायरन को बोला था कि सैटनिक स्कूल ऑफ पोएट्री से रिलेटेड आई है. एंड बायरन ने फिर रिप्लाई किया था प्रोड्यूसिंग ए मास्टरफुल पैरोडी ऑफ साउदेज ओन पोएम अंडर द विजन ऑफ जजमेंट. तो इन्होंने द बायरन का है द विजन ऑफ जजमेंट जो 1822 में आया था और इनका है साउदे का ए विजन ऑफ जजमेंट 1821 में. आफ्टर बलहेनम बलहेम ब्लेनहेम अच्छा आफ्टर ब्लेनहेम 1796 ये इनकी एंटी वार पोम है और ये साइट ऑफ बैटल ये कहाँ पे सेट है बैटल का साइट है ब्लेनहेम में उसी में सेटल्ड है ये. साउदे रोट ए वेराइटी ऑफ पोइट्री इंक्लूडिंग सम लाइटर पीसेज सच एज द स्टोरी ऑफ द थ्री बेयर्स. दिस इज़ ए पीस दैट इज स्टिल नोन टूडे एज द स्टोरी ऑफ गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बियर. आजकल बच्चों की एक बुक्स आती है ना कि द स्टोरी ऑफ गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बियर ये साउदे ने ही लिखी थी. ये सैड इन्होंने जो शार्लेट ब्रोंटे है फीमेल राइटर थी ब्रोंटे सिस्टर में से उनके बारे में लिखा है कि लिटरेचर कैन नॉट बी बिजनेस ऑफ ए वूमन्स लाइफ. साउदे रोट ए नंबर ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स. इन्होंने बायोग्राफीज लिखी हैं एडमायरल लॉर्ड नेल्सन की जॉन बनियन की जॉन वेस्ले की ओलिवर गोल्डस्मिथ की और विलियम कूपर की. इन 1838 एडिथ डाइड एंड साउदे मैरिड कैरोलिन एन बॉल ऑल्सो ए पोएट. बाय दिस टाइम हाउएवर साउदेज हेल्थ वॉज ऑलरेडी फेलिंग एंड हिज प्रोडक्टिविटी हैड कम टू ए स्टैंड स्टिल. ही डाइड इन रिलेटिव ऑब्स्क्रूटी इन 1843. तो 1843 में इनकी डेथ हो गई थी. द कम्प्लीट डिटेल है ये विलियम वो सॉरी रॉबर्ट साउदे के बारे में. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल.